है, पुलिस आया है। चेक वन टू थ्री फोर। देखिए ऐसा है कि जो पुलिस ने आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उस अत्याचार के खिलाफ हम पुलिस के खिलाफ ये मोर्चा लेकर के जा रहे हैं। और आप देखेंगे आदिवासी लोग जो है अपने पारंपरिक वाद्य जो उनका तूर और थाली होता है वो लेकर के, और ये बता रहे हैं पुलिस को कि हम आदिवासी हैं, हमारे ऊपर अत्याचार बंद करो। ये मोर्चा कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे आप? ये यहाँ से जो हम एडिशनल सीपी कार्यालय कांदिवली ईस्ट में जो बैठते हैं, एडिशनल सीपी नॉर्थ जोन, उनके पास हम लेके जा रहे हैं। ये ये जो मोर्चा है उसके बारे में बताइए। सर ये मोर्चा है हमारे आदिवासी समाज पक्ष जो है कांदिवली सागवाड़ी एरिया में रहते हैं। आज ये धीरे धीरे 60 से 70 वर्षों का इनका पुरावा है और ये यहाँ पर कुल कायदे में इनका नाम चढ़ा, कलेक्टर द्वारा हटाया गया, बिल्डर के द्वारा हटाया गया और इनको किसी न किसी बहाने केस में उलझाए रखा गया और ये सताए गए और इनके साथ में इतना अत्याचार हुआ। ये महिलाएं हैं, इनके साथ में छेड़खानी, इनके साथ में छेड़खानी, मारी मारा, पुलिस स्टेशन, पुलिस प्रशासन इनकी सुनती नहीं है। आज भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष इन आदिवासियों का मुद्दा लेकर के अपर पुलिस आयुक्त कार्यालय, अपर पुलिस आयुक्त कार्यालय के ऑफिस में चल रहे हैं। वहाँ न्याय मिलता है कि नहीं? पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप बताइए ये मोर्चा है, आप बताइए क्या क्या समस्या है? हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, इतना पानी नदी के बाजू में हम लोग रहते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं करता है, बिल्डर लोग आके हम लोग को धमकी देता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुक्मणी छगन वंजारिया। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम तिप्पम्मा। आप बताइए इस मोर्चा के पीछे क्या वजह है? क्या वजह बोलेगा तो जागा का पीछे बिल्डर लोग परेशान कर रहा है, इसका वजह से हम लोग मोर्चा निकाला। हमें भी न्याय चाहिए क्योंकि हम इतने सालों से हमारा बाप दादा के जमाने से यहाँ रहते हैं, हमको बोलते यहाँ से चले जाओ, तो इसके लिए हम वहाँ पे न्याय मांगने जा रहे हैं। अब देखते कि हमारा वो सुनेंगे क्या नहीं। मुंबई में लगातार ये बिल्डरों पर आरोप लगता रहा। मुंबई में अक्सर बिल्डर पर या बिल्डर लॉबी पर यह आरोप लगता रहा कि उन्होंने गरीबों की और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी जमीन हमेशा हड़पने की कोशिश की है। और यही कारण है कि कांदिवली वेस्ट के सागवाड़ी इलाके में आदिवासियों ने आरोप लगाया है कि उनकी अपनी जमीन को बिल्डरों ने हड़पने की कोशिश की है और उसी के विरोध में यह मोर्चा निकला है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ अमिंदर सोर्स 11 न्यूज मुंबई। Oh, my God.
राजनीति में सत्ता का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुर्सी का जो खेल है वो बहुत ही निराला है। लेकिन कुछ लोग अक्सर अपने काम के जरिए लोगों के दिलों में राज करने की कोशिश करते हैं। विले पार्ले में एक लोकप्रिय विधायक रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों से इतने खुद को उन्होंने जोड़ कर रखा है। हम बात करें कृष्णा हेगड़े की, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनका जो एक सोचने का तरीका है वो काफ़ी अलग है। युवा सोच का एक जो प्रतिसाद मिलता है उसको लेकर ये आगे बढ़ते रहे हैं, और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इनकी सोच है वो राजनीतिक